नमस्कार दोस्तों, पैनी स्टॉक अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम पैनी स्टॉक की। कंपनी है ये गुजरात बेस्ड है और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिरिंज मोल्डिंग का और मेडिकल डिस्पोजल, फार्मास्यूटिकल, फूड, बेवरेजेस, पैकिंग वगैरह, इन सब का ये बिजनेस है। अब ये स्टॉक हम क्यों कवर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको रीज़न बताते हैं। अभी आप इस कंपनी का बिजनेस देखिए। इस कंपनी का बिजनेस माइनिंग में है, जेमस्टोन में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है, ग्रीन एनर्जी में है, टेक्सटाइल ट्रेडिंग में है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। इस स्टॉक को कवर करने का जो मेन रीज़न है, अगर हम देखें अभी जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, इन्होंने QIP के थ्रू फंड रेजिंग की है अपनी ग्रोथ प्लान के लिए। इनके स्टॉक ने अपर सर्किट भी हिट किया था। इन्होंने देखिए, इनका नेट प्रॉफिट भी जंप हुआ है, 5% की रैली आई है, एक नया ऑर्डर मिला है इनको रिलायंस से। तो इन्हीं सारी न्यूज़ के चलते हम इस स्टॉक को आज कवर कर रहे हैं। तो स्टॉक की बात करें अगर हम, अभी करंटली इसका प्राइस है ₹13, तकरीबन 13 रुपए के आसपास का इसका भी करंट प्राइस है। और तकरीबन देखिए 5% का इसका अपर सर्किट लगा था। जो 52 वीक हाई है वो तकरीबन 45 के आसपास का है। अब अगर हम देखें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ कंपनी की देखें, तो कंपनी के देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, एनुअल ग्रोथ अच्छी है, क्वार्टरली जो इनकी ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी दिख रही है। अभी आपको स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी देखिए थोड़ा सा स्टॉक का पी कम है और RSI जो है प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वीकनेस की बात करें तो अभी थोड़ा सा क्या है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी लास्ट क्वार्टर में कम की है और इनका पेट्रोस की स्कोर जो है हल्का सा वीक है, बट वो टेक्निकल है। अगर कंपनी के ROE की बात करें तो 3 ईयर के हिसाब से तो काफ़ी कम है, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला। और कंपनी का ROCE भी पास 3 ईयर में नेगेटिव, बट ये 1 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव में है। कंपनी का जो है डेटर है तकरीबन 300 के आसपास और हल्का सा नेगेटिव कैश फ्लो है। अगर हम इनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो अभी देखिए करंटली 13.3 पे इसका पहला रेजिस्टेंस है, ₹13.30 पे, ₹13.50 पे इसका अगला रेजिस्टेंस है और ₹14 पे इसका जो है फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन ₹12.60, फिर उसके बाद ₹12.10, देन ₹11.80 पे इसका सपोर्ट है। अभी डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो देखें कि इनका तकरीबन 100% डिलीवरी में ही है सारे स्टॉक। वीकली और मंथली में भी देखें तो आपने अच्छा खासा वॉल्यूम है, 2 लाख से तकरीबन देखिए 5 लाख तक का वॉल्यूम है NSE और BSE में। वैसे ये स्टॉक BSE में ही लिस्टेड है अभी। अगर फंडामेंटल की बात करें तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 200 करोड़ का है, PE रेशियो देखिए इनका तकरीबन 14 के आसपास है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। रिटर्न और इक्विटी में देखें आप इन्वेस्टमेंट में तो ये 66% है। डिविडेंड यील्ड अभी तक 0% है। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो देखिए रेवेन्यू जब स्टार्ट किया था इन्होंने जून 23 के क्वार्टर में देखे तो काफी कम रेवेन्यू था, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास, देन जंप देखिए 157 करोड़, देन थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। मार्च क्वार्टर में इनका देखिए 327 करोड़ का रेवेन्यू रहा, उसके बाद 264 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट भी जो है हल्का हल्का, यहाँ से तकरीबन 78 लाख का प्रॉफिट था, देन उसके बाद 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 14 करोड़ का प्रॉफिट, फिर एकदम से मार्च क्वार्टर में जंप आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को। तो कंपनी के कुल फाइनेंशियल में अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखें तो इनमें हल्के हल्के आपको स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगर म्यूचुअल फंड और इनके सेलर की बात करें जिन्होंने बल्क में स्टॉक्स खरीदे हैं, तो देखिए सेतु सिक्योरिटीज ने खरीदे हैं, इन्होंने सेल किए हैं अपनी हिस्सेदारी, और मल्टीप्लायर शेल स्टॉक एडवाइजर ने सेल किया है, वहीं इन्होंने परचेज भी किया है, तो सेलिंग परचेजिंग दोनों की है। 23 को खरीदे थे, 27 अगस्त को इन्होंने सेल किया है, तो हल्का सा आपको स्टॉक में सेलिंग तो देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट वो मार्केट सेंटिमेंट के कारण भी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए पब्लिक के पास तकरीबन 99% शेयर है और म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 0.13% है। प्रमोटर के पास अभी कोई स्टॉक नहीं है, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की और इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी भी लगभग 0 है। ऋषभ भाटिया इसके ओनर है, तकरीबन इन्होंने 3.5% शेयर ओन किया है। पब्लिक में HUF में तकरीबन 3.5% है और बाकी जो मेंबर्स हैं उनके 1% है। बाकी नेबरहुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनके पास तकरीबन 4% स्टॉक है। अगर इसके कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, देखिए डिविडेंड इन्होंने 20 अप्रैल को दिया था, तकरीबन ₹1 का डिविडेंड दिया था इंटरिम, काफी अच्छा डिविडेंड है स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए। अब अगर चार्ट्स में देखें, देखिए सेल्स ग्रोथ आपको देखिए पॉजिटिव में है, प्रॉफिट भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा। पिछले 1 साल का अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म जो पिछले पांच साल में था, इनका बिजनेस इतना नहीं चल रहा था तो आपको नेगेटिव में दिखेगा रिटर्न, बट अगर आप पिछले 1 साल से देखिए, क्योंकि हमने इस स्टॉक को अपने लिस्ट में इंक्लूड ही इसलिए किया है कि इसमें पिछले 1 साल में काफी अच्छी खासी जो है इसने आपको रिटर्न दिया है। अब हम पूरी वीडियो के हाईलाइट को देखें, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखिए पैनी स्टॉक में
इन्वेस्ट करना अपने आप में उसकी रिस्क भी है और उसके बेनिफिट भी है। तो देखिए अभी जो ओवरऑल परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो देखिए इन्होंने 50 करोड़ का तो फंड रेज किया है, जिससे ये फ्यूचर में अपने ग्रोथ पाइपलाइन अचीव कर पाएंगे, तो एक पॉजिटिव चीज है और आगे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी ग्रो करेगी। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो ये भी बढ़ ही रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। स्टॉक का पीई रेशियो काफी कम है, तकरीबन 2 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 30 है। तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की कैपेबिलिटी रखता है। डिविडेंड हिस्ट्री अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने तकरीबन तकरीबन 100% का डिविडेंड लास्ट क्वार्टर में दिया था, और 1 रुपए का डिविडेंड इतने छोटे स्टॉक पे मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं स्टॉक कंपनी की देखिए, कंपनी लगभग लगभग डेट फ्री है, तकरीबन 5 करोड़ का है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंपनी की। फ्यूचर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गुड है, आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखिए वो भी काफी अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको स्टॉक जो है काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो कुल मिला के देखिए, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, बट ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक शामिल हो सकता है। धन्यवाद, आज के लिए शुभ रात्रि, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।